भारत माता की। ये भी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये भी मोदी जिंदाबाद, ये भी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी निषाद राज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी निषाद राज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपना दल, निषाद पार्टी अपना दल भारतीय जनता पार्टी। योगी मोदी डॉक्टर संजय कुमार अनुप्रिया पटेल। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय निषाद राज, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। महाराज जी पढ़ा। भारत माता की, भारत माता की। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। अपने प्रत्याशी माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका परिश्रम बढ़ाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आज का ये पहला कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आगे अकबरपुर जाना है और उसका भी समय लगभग हो चुका है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी श्री द्विवेदी जी से चाहूंगा कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपनी भी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। पूज्य महाराज श्री उत्तर प्रदेश के कीर्ति पुंज मुख्यमंत्री, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय माननीय महाराज जी के चरणों में मैं सादर दंडवत करते हुए, बहुत मैं कुछ न कहते हुए पूज्य महाराज जी को मैं पूरा समय देना चाहूंगा, जिससे महाराज जी का इतना मूल्यवान समय हम सब लोगों को मिल सके। मैं महाराज जी से बिना किसी अपने किसी रुकावट के महाराज जी को ही समय दूंगा। आप लोगों के चरणों में निवेदन करते हुए, आप लोग इतनी भारी संख्या में आए, माताओं बहनों के बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप लोगों का अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय साधी जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सुधीर सिंह जी, रमाशंकर सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी जी, पूर्व सांसद कटेहरी पांडे जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती रेखा सिंह जी, अपने दल के जिला अध्यक्ष रमेश वर्मा जी, संजय साधी और आज के इस कार्यक्रम में निषाद पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी श्री द्विवेदी जी और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को साथ में लेकर के सहयोगी दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। भाइयों बहनों, कटेहरी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी है ना सर, अगर माइक हम साउंड के पास रख देंगे ना तो पब्लिक को फिर दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि तार फंस जाता है वहाँ, और यह सीट फिर वो कहेंगे पब्लिक को दिखाइए, पब्लिक को दिखाइए। इस बात को प्रदर्शित करती है अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की रविंद्र की सरकार। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को देखिए सही आ रहा होगा, और आपका अम्बेडकरनगर भगवान राम और निषाद राज की मैत्री के रूप में इस कटहरी सीट पर निषाद राज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में से अवधेश द्विवेदी को चुनाव मैदान में उतारी है। भाइयों बहनों, अम्बेडकरनगर की जब बात होती है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण हो उठता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पावन भूमि है। डॉक्टर लोहिया के बारे में कहा जाता था बहुत बड़े समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के अंदर कई जनपदों में रामायण मेलों की शुरुआत की थी। लेकिन भाइयों बहनों, डॉक्टर लोहिया के वर्तमान के अनुयायी आज राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और भाइयों बहनों, उनके द्वारा राम भक्तों का अपमान किस रूप में किया जाता है ये किसी से छुपावा नहीं है। हम सब इस बात को जानते हैं कि राम मनोहर लोहिया कहते थे कि एक सच्चे समाजवादी को संपत्ति और संतति से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये जो आज के कथित समाजवादी हैं, ये सहयोग सबका चाहते हैं। इनका नारा है सबका साथ, लेकिन सैफई खानदान का विकास, वो उससे बाहर सोच ही नहीं सकते। सब कुछ उसी परिवार को मिलना चाहिए, बाकी किसी को नहीं मिलना चाहिए। और भाइयों बहनों, वही स्थिति उनके साथ में होती है। जिन लोगों ने केवल अपने शासन काल में जब उन्हें अवसर मिला केवल अराजकता फैलाई, गुंडागर्दी फैलाई, हर जगह अव्यवस्था फैलाई। और भाइयों बहनों, उनका परिणाम था उत्तर प्रदेश बदनाम होता गया, दंगे होते गए। अम्बेडकरनगर के बारे में कहा जाता है कि यहां पर अम्बेडकरनगर में बड़े पैमाने पर यहां के लोग इस विश्वास के साथ कार्य कर रहे थे कि अम्बेडकरनगर का भी कभी समय आएगा, ये भी विकास करेगा। लेकिन इन परिवारवादी लोगों ने, जिनको केवल अपने परिवार के लोगों का भला चाहिए था, वे लोग विकास नहीं होने दिए। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये परिवारवादी कभी दंगा कराते हैं, कभी अराजकता फैलाते हैं, कभी गुंडागर्दी करते हैं और रूप बदलने में तो इतने माहिर हैं कि जो लोग पहले दंगा करा करके राह चलते हुए राहगीरों और व्यापारियों से छिनैती और लूटपाट करवाते थे, उनके राह चलते हुए गुर्गे हमेशा तमंचा रखते थे। आज आप देख रहे होंगे वे लोग हनुमान जी की गदा लेकर के घूमने लग गए हैं। और भाइयों बहनों, आप देखना 2024 में जब लोकसभा चुनाव में हम लोग आएंगे ना, उससे पहले इनमें से ज्यादातर परिवारवादी ऐसे होंगे जो अयोध्या में राम भक्तों के साथ कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी की यह वैचारिक विजय का प्रतीक है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं अम्बेडकर वासियों से, आप मुझे बताइए 2017 के पहले बिजली मिलती थी? आज तो मिलती होगी ना, कोई भेदभाव तो नहीं होता है। 2017 के पहले तो बिजली की भी यहां जाति और मजहब हुआ करता था। ईद और मोहर्रम में बिजली आती थी, होली और दीपावली में बिजली गायब हो जाती थी। सच कह रहे हैं ना भाइयों बहनों? आज की स्थिति क्या है? पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? आप सभी लोग वैक्सीन ले लिए? ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने, झूठ मत बोलना, सब फ्री में लगा है ना। अब याद करिए, अगर सपा बसपा की सरकार होती तो भाइयों बहनों ये सब वैक्सीन ब्लैक हो जाती। सही बोल रहा हूं ना? हो जाती ना ब्लैक। लेकिन आज ये वैक्सीन हर गरीब को मिल रहा है, बिना भेदभाव के हर नागरिक को मिल रहा है। यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप मुझे बताओ, कोरोना के पूरे कालखंड के दौरान हर गरीब को 2 बार राशन महीने में मिला कि नहीं मिला है? और राशन के साथ दाल, तेल और नमक मिला कि नहीं मिला? मिल रहा है ना। मुझे बताओ, क्या 17 के पहले ही मिलता था क्या? भाइयों बहनों, 12 से 17 के बीच ये सारा का सारा पैसा, ये सारा का सारा जितना भी पैसा था, ये समाजवादी पार्टी के गुर्गे खा जाते थे। और भाइयों बहनों, उससे पहले गरीबों का ये राशन बहन जी का हाथी खा जाता था। हाथी तो इस समय फिसल रहा है ना, कभी इधर जाता है, कभी उधर जा रहा है। जो पिछली बार हाथी से लड़े होंगे, इस बार वो दूसरी पार्टी से लड़ रहे होंगे। अब उनसे पूछना चाहिए, जब हाथी उनका वजन नहीं संभाल पाई है तो साइकिल तो वैसे पंचर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और जो ये राशन खाने वाले हैं गरीबों का, भाइयों बहनों, इन्हीं के लिए हमने बुलडोजर बनाया है। समझ गए ना बुलडोजर की ताकत को? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बनाता है और बेमान और भ्रष्टाचारी नेताओं की और माफियाओं के ऊपर भी जब चढ़ता है तो उन्हें खूब रगड़ते हुए आगे बढ़ता है। और इसीलिए सपा बसपा गरीबों का अन्न खा जाती थी, दवा का पैसा खा जाती थी, और इसीलिए कटेहरी में जो अन्याय होता था, इस अन्याय को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल निषाद राज पार्टी को ये सीट दी है, जिससे अवधेश द्विवेदी भोजन भरी थाली लेकर के आपके पास आ सके। भाइयों बहनों, ये विकास का प्रतीक है और अभी तो ये शुरुआत है। भाइयों बहनों, ये शुरुआत है। याद करना, 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी के घर में हर दीपावली और होली को एक एक सिलेंडर फ्री में भी पहुंचेगा। 60 साल से ऊपर की हर माता बहन को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और यही नहीं, हर बेटी को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में इस समय 15,000 रुपया दे रहे हैं। अब इसके बाद इस राशि को बढ़ा के 25,000 करेंगे। बेटी की शादी में कन्यादान के लिए सरकार 51,000 दे रही थी। अब भाइयों बहनों, इसको अब 1 लाख करेंगे, 1 लाख। वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं इस समय साल का। और इसको हमारा प्रस्ताव है कि इसको 18,000 रुपया किया जा सके। युवाओं को स्मार्टफोन दे रहे हैं। सपा ने शिकायत की है, उन्होंने शिकायत इसलिए कर दी है, यही अम्बेडकरनगर में ही वितरित हो रहा था। इन्होंने शिकायत कर दी कि युवाओं को नहीं मिलना चाहिए। उनका यह मानना है कि स्मार्टफोन पर तो केवल सैफई खानदान का अधिकार है, किसी को मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, अभी 1 करोड़ युवाओं को दे रहे हैं। 10 मार्च के बाद 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा, डिजिटल एक्सेस फ्री में मिलेगा। भाइयों बहनों, विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की लड़ाई अनवरत बननी चाहिए। भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। कटेहरी से भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के सहयोगी गठबंधन को जिताएंगे, भोजन भरी थाली को प्राप्त करेंगे। सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ ताकर के बोलेंगे, फिर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।